Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the competitive strategies for market leader. मतलब एक market leader जो होते हैं, उनको competition में टिके रहने के लिए क्या-क्या strategies बनानी पड़ेगी. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि market leaders क्या होते हैं. So market leaders वो होते हैं जो market में top position को enjoy करते हैं. मतलब वो market में उस particular category के product में एकदम top में होते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे example देखेंगे कि फोर व्हीलर या कार के कैटेगरी में अगर हम लोग देखेंगे तो मारुति सुजुकी जो है वो मार्केट लीडर है, या सॉफ्ट ड्रिंक में बात करते हैं तो कोको कोला जो है वो मार्केट लीडर है, या टू व्हीलर की बात करेंगे तो हीरो होंडा, या फास्ट फूड की बात करेंगे तो मैकडोनल्ड, लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो LIC. तो ये सारे मार्केट लीडर्स है बिकॉज ये मार्केट में क्या कर रहे हैं, टॉप पोजिशन को एंजॉय कर रहे हैं. नाउ ये जो मार्केट लीडर्स होते हैं वो मार्केट में भले ही टॉप पोजिशन पे हो लेकिन हमेशा उनको अलर्ट रहना पड़ता है ताकि वो अपने लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन रख पाए. नहीं तो फिर क्या होगा, अगर वो अलर्ट नहीं रहेंगे तो जो भी चैलेंजर्स है, जो उनको चैलेंज कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनका मार्केट जो है कैप्चर कर सकते हैं. सो मार्केट में बहुत ह्यूज कॉम्पिटिशन होती है, तो एक बार कोई कंपनी मार्केट लीडर पोजिशन पे पहुंचती है, टॉप पोजिशन पे पहुंचती है, उसके बावजूद भी उनको अलर्ट रहना पड़ता है ताकि वो अपने पोजिशन को मेंटेन रखे. तो यहाँ पे हम लोग को वही देखना है कि मार्केट लीडर जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. सो बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है मार्केट लीडर्स अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप पोजीशन जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं. तो उसमें मेन हम लोग को तीन स्ट्रेटेजीज देखने हैं. एक है एक्सपेंडिंग टोटल मार्केट, दूसरा है डिफेंडिंग करंट मार्केट शेयर, और तीसरा है एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर. और फिर उसके अंदर कुछ और स्ट्रेटेजीज है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिंग टोटल मार्केट. नाउ एक्सपेंडिंग टोटल मार्केट जो होता है इसके अंदर अगेन तीन स्ट्रेटेजीज होती है, जिसमें सबसे पहले है न्यू यूजर्स. नाउ न्यू यूजर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है, नए नए यूजर्स को एड करती जाती है. मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे कंपनी क्या करती है, नए नए कस्टमर्स को फाइंड आउट करती है. और ये नए कस्टमर्स को कंपनी कैसे फाइंड आउट कर सकती है, तो यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट के नॉन यूजर्स है उनको कंपनी कन्विंस करके उनको यूजर्स में कन्वर्ट कर सकती है. जैसे कि हम लोग बाटा का एग्जांपल लेते हैं. सो बाटा के पहले जो फुटवेयर्स होते थे वो काफी सिंपल होते थे, बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं होते थे. लेकिन अभी आप लोग देखते हो बाटा जो है वो काफी स्टाइलिश फुटवेयर बनाना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो यंगस्टर्स वगैरह है वो वहां पे अट्रैक्ट होते जा रहे हैं. तो बाटा ने क्या किया, जो उनके नॉन यूजर्स थे उनको कन्विंस किया और अपना प्रोडक्ट परचेस करने के लिए उन लोगों को इन्फ्लुएंस किया. तो इस तरीके से कंपनी नए नए कस्टमर्स को ऐड कर सकती है. दूसरा है विनिंग कॉम्पिटिटर कस्टमर्स, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स के कस्टमर्स है उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, उससे भी कंपनी अपने न्यू यूजर्स को क्रिएट कर सकती है. और तीसरा है सेलिंग द प्रोडक्ट इन अदर मार्केट, मतलब कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट में अपना प्रोडक्ट नहीं बेचती थी तो वहां पे अभी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना शुरू कर सकती है और उससे भी कंपनी क्या कर सकती है, नए कस्टमर्स क्रिएट कर सकती है. सो बेसिकली न्यू यूजर्स में कंपनी नए कस्टमर्स को या नए यूजर्स को ऐड करती जाती है, मतलब बढ़ाते जाती है, जिसमें कंपनी नॉन यूजर्स को प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कस्टमर्स को कन्विंस कर सकती है, या कॉम्पिटिटर के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, या अपने प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च कर सकती है, सेल कर सकती है. दूसरा एक्सपेंडिंग टोटल मार्केट का स्ट्रेटेजी है डिस्कवर न्यू यूजेस. अभी यहाँ पे क्या होता है, कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट के नए नए यूज जो है वो डिस्कवर करती है, फाइंड आउट करती है. यहाँ पे कंपनी काफी सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू प्रोडक्ट के नए नए यूजेज जो होते हैं वो डिस्कवर किए जाते हैं, और ये प्रोडक्ट के नए यूज कंपनी ने जो डिस्कवर किए हैं उसके बारे में मार्केटिंग कम्युनिकेशन करके लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है. जैसे कि हम लोग कैडबरी डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं. कैडबरी डेयरी मिल्क जो है उन्होंने अपने प्रोडक्ट के नए नए यूज जो है डिस्कवर किए हैं. जैसे कि पहली तारीख है तो कैडबरी खाना चाहिए, बर्थडे है तो कैडबरी खाना चाहिए, अगर कोई गुड न्यूज है तो कैडबरी खाना चाहिए, कोई फेस्टिवल है तो कैडबरी खाना चाहिए, किसी को गिफ्ट देना है तो कैडबरी खाना चाहिए. सो देखो किस तरीके से कैडबरी ने यहाँ पे अपने नए नए यूज जो है उसको डिस्कवर किया है, और उसको फिर वो अलग अलग एडवर्टीजमेंट कैंपेन के थ्रू लोगों को कम्युनिकेट करते हैं. जैसे आपने पहले तारीख का एडवर्टीजमेंट देखा है, रक्षाबंधन का एड कैंपेन देखा हुआ है, या कोई भी शुभारंभ अगर हम लोग कर रहे हैं, कोई भी नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो उसका एडवर्टीजमेंट हम लोग ने कैडबरी का देखा है. सो कैडबरी ने अपना नया नया यूज जो है वो डिस्कवर किया,
और उसको डिस्कवर करके लोगों को मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म भी किया, उसको डिस्कवर न्यू यूजेस बोलते हैं। मतलब उसी प्रोडक्ट को कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे कंपनी फाइंड आउट करती है और लोगों को कम्युनिकेट करती है, उसको डिस्कवर न्यू यूजेस बोलते हैं। तो मार्केट लीडर ये भी स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं अपने टोटल मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। और तीसरा है मोर यूसेज। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, जहां पे कंपनी उनके लिए कुछ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स लाती है, जैसे कि उनको डिस्काउंट्स वगैरह देना, एक्सचेंज ऑफर देना, या फिर उनको कोई भी फ्री गिफ्ट वगैरह देना। ये सब चीजें जब कंपनी करती है तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी परचेस करते हैं। जैसे कि सपोज संतूर है, तो संतूर अगर हम लोग 200 परचेस करेंगे तो उसके ऊपर एक पेन फ्री मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, 4 संतूर के सोप परचेस करेंगे या 6 परचेस करेंगे, बिकॉज लोगों को वहां पे फ्री गिफ्ट मिल रहा है। तो लोगों को फ्री गिफ्ट मिल रहा है तो लोग ज्यादा क्वांटिटी परचेस करेंगे। या फिर अगर सपोज किसी चीज के ऊपर हेवी डिस्काउंट मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं, उस चीज को ज्यादा परचेस करते हैं ताकि उनको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रही है कंपनी कि अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको अपना प्रोडक्ट जो ज्यादा परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, और कस्टमर प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करे इसके लिए कंपनी सेल्स प्रमोशन स्कीम जो अंडरटेक करती है। तो देखो हम लोग ने यहाँ पे पहला मार्केट लीडर का कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी देखा, जो है एक्सपेंडिंग टोटल मार्केट, जिसमें हमने 3 स्ट्रेटेजीज देखे। पहला है न्यू यूजर, जहाँ पे कंपनी नए नए कस्टमर्स क्रिएट करती है, और नए कस्टमर्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं उसके 3 तरीके मैंने बताया। फिर दूसरा है डिस्कवर न्यू यूजेस, यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के नए नए यूज जो है डिस्कवर करती है, जहाँ पे कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और प्रोडक्ट को किस तरीके से अलग अलग पर्पज में यूज किया जा सकता है वो फाइंड आउट करके वो लोगों को मार्केटिंग कम्युनिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म करती है, ताकि लोग उसी प्रोडक्ट को अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने डेयरी मिल्क का आपको एग्जाम्पल बताया। और तीसरा यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को मोर यूसेज, मतलब यहाँ पे कस्टमर्स को एनकरेज किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है परचेस करे, उसके लिए कंपनी यहाँ पे सेल्स प्रमोशन स्कीम जो है वो अंडरटेक करती है। तो ये पहला स्ट्रेटेजी हमने देखा। दूसरा है डिफेंडिंग करंट मार्केट शेयर। नाउ डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है, अपना बचाव करना। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो मार्केट लीडर होते हैं वो अपने आप को कॉम्पिटिटर के अटैक से बचाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोको कोला का एग्जांपल ले सकते हैं कि कोको कोला जो है उनके ऊपर पेप्सी जो है वो कंटिन्यूअसली अटैक करते रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ नया जो है वो मार्केटिंग के अंदर पेप्सी करते रहेगा, जिसके वजह से कोको कोला अफेक्ट होगा। तो कोको कोला जो है वो पेप्सी के अटैक से अपने आप को बचा के रखेगा। तो किस तरीके से यहाँ पे मार्केट लीडर जो है वो अपने आप को कॉम्पिटिटर के अटैक से बचाता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो पहला डिफेंडिंग स्ट्रेटेजी है पोजिशन डिफेंस। ना पोजीशन डिफेंस में क्या होता है कि कंपनी का जो सक्सेसफुल ब्रांड होता है उसके ऊपर कंपनी ज्यादा रिसोर्सेस को अलोकेट करती है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मॉन्डेलिज इंटरनेशनल जो है ये कंपनी का कैडबरी डेयरी मिल्क ये प्रोडक्ट जो है काफी ज्यादा सक्सेसफुल है मार्केट में। इसके लिए मॉन्डेलिज इंटरनेशनल क्या करता है, कैडबरी डेयरी मिल्क के ऊपर ज्यादा अपने रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं, मतलब उसका ज्यादा प्रमोशन करना, उसके क्वालिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल ब्रांड है और ये मार्केट लीडर है, और इसको यूज करके यहाँ पे मॉन्डेलिज इंटरनेशनल क्या कर रहा है, दूसरे कॉम्पिटिटर से अपने आप को बचाव कर रहा है। सो जहाँ पे मार्केट लीडर अपने आप को बचाव करने के लिए अपना जो स्ट्रांग प्रोडक्ट है या सक्सेसफुल प्रोडक्ट है उसके ऊपर ज्यादा रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं, उसको पोजिशन डिफेंस बोलते हैं। तो ये मार्केट लीडर अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। दूसरा डिफेंडिंग स्ट्रैटेजी है फ्लैंक डिफेंस। नाउ फ्लैंक डिफेंस में क्या होता है, कंपनी अपने जो वीक साइट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट लीडर का जो वीक साइट है उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट लीडर अपने वीक साइट को प्रोटेक्ट करता है। अभी किस तरीके से यहाँ पे मार्केट लीडर अपने वीक साइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या लो प्राइस के प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करके वो अपने वीक साइड को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है उन्होंने विम बार ये जो डिश वॉश है उसको मार्केट में लाया, बिकॉज उनका एक वीकनेस था कि उनका कोई भी डिश वॉश मार्केट में नहीं था। बाकी काफी सारे वैरायटी के प्रोडक्ट जो है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो है मार्केट में बेचती थी, पर उनका डिश वॉश बार मार्केट में नहीं था, इसके लिए उन्होंने विम बार को इंट्रोड्यूस किया। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इनका वीक साइट क्या था, इनका कोई भी डिश वॉश बार नहीं था, और कॉम्पिटिटर जो है उनके वो वीक साइट के ऊपर अटैक करने के काफी ज्यादा चांसेस थे, इसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने विम बार को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और अपने वीक साइट को प्रोटेक्ट किया।
तो इस तरीके से जब कोई भी मार्केट लीडर अपने वीक साइड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि उसके ऊपर कोई भी कॉम्पिटिटर जो अटैक ना करे, उसको यहाँ पे फ्लैंक डिफेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का विम जो डिशवॉश बार है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। देन थर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव डिफेंस। नाउ यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि मार्केटर जो है या मार्केट लीडर जो है वो कॉम्पिटिटर को स्ट्राइक होने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। मतलब मार्केट लीडर जो है वो कॉम्पिटिटर को रियलाइज होने नहीं देता है और उसके पहले उसके ऊपर वो अटैक करता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि अर्ली 1990s में टाइटन कंपनी जो है उन्होंने अपने काफी सारे ब्रांड्स और सब ब्रांड जो है वो HMT कंपनी के अगेंस्ट मार्केट में लॉन्च किए थे। मतलब HMT को यहाँ पे स्ट्राइक भी नहीं हुआ या उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं, और तब तक टाइटन ने यहाँ पे काफी सारे ब्रांड और सब ब्रांड जो है मार्केट में लॉन्च करके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग आपके जो कॉम्पिटिटर्स है उनको स्ट्राइक होने से पहले उनके ऊपर अटैक करते हो। अटैक करना मतलब कि आप नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हो या आप कस्टमर्स को कोई ऑफर वगैरह देते हो जिससे कस्टमर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट लीडर जो है वो कॉम्पिटिटर को स्ट्राइक होने के पहले ही उनके ऊपर अटैक करते हैं, उसके लिए उसको प्रीएम्प्टिव या प्रिवेंटिव डिफेंस बोलते हैं। जहाँ पे आप टाइटन और HMT का एग्जांपल दे सकते हो कि अर्ली 90s में HMT को स्ट्राइक होने से पहले ही टाइटन ने काफी सारे अपने ब्रांड जो है मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया था और अपने आप को वो डिफेंड कर रहे थे। देन नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस। नाउ काउंटर का मतलब क्या होता है, जब कोई आपके ऊपर अटैक करता है और उसके बदले में आप उसके ऊपर अटैक करते हो, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर अटैक। सो यहाँ पे वही होता है कि कॉम्पिटिटर ने मार्केट लीडर के ऊपर अटैक किया, तो अभी मार्केट लीडर भी क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंपनी का अपना अपना टेरिटरी होता है, मतलब अपना अपना एरिया होता है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। और अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट में दूसरा मार्केटर अगर एंट्री करेगा तो वो कंपनी क्या करेगी, वो मार्केटर के ऊपर अटैक करेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सीएट टायर और TVS टायर। तो सीएट टायर जो है इनका मार्केट कौन सा था, जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का पार्ट है वो इनका मार्केट था, और साउथ इंडिया जो है वो TVS टायर का मार्केट था। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सीएट टायर जो है उन्होंने TVS श्री चक्रा जो है उनके ऊपर अटैक किया। मतलब सीएट टायर जो है वो तमिलनाडु में अपना मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए TVS ने क्या किया, सीएट का जो मार्केट था जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया का था वहां पे TVS टायर ने अपना मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, जहां पे उन्होंने अलग अलग इनोवेटिव कैंपेन्स करना शुरू कर दिए, जैसे रोड रैलीज, रोड शोज वगैरह इस तरीके से। तो यहाँ पे सीएट जो है इन्होंने TVS टायर का जो साउथ का मार्केट है, बेसिकली तमिलनाडु का जो मार्केट है उसके ऊपर अटैक किया। इसके लिए TVS टायर ने सीएट का जो मार्केट है जो नॉर्थ या वेस्ट इंडिया है वहां पे उन्होंने अपना मार्केटिंग करके उनके ऊपर काउंटर अटैक किया, उसको काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस बोलते हैं। और इस तरीके से मार्केट लीडर जो है अपने आप को डिफेंड करते हैं। देन नेक्स्ट डिफेंडिंग स्ट्रेटेजी इज मोबाइल डिफेंस। नाउ बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मार्केट लीडर्स होते हैं वो अपने टेरिटरी को ब्रॉडन करते या एक्सपैंड करते हैं, या वो लोग क्या करते हैं, नए मार्केट एरिया में एंट्री करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक 5-star होटल है, तो बेसिकली होटल का काम क्या होता है, लोगों को अकोमोडेशन का सर्विस देना। पर यहाँ पे अभी ये 5-star होटल जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में भी डीलिंग करता है, टूर ऑपरेटिंग भी करता है, तो इन्होंने क्या किया, अपने मार्केट को ब्रॉडन किया या एक्सपांड किया, या वो नए मार्केट एरिया में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया। जैसे ये 5-star होटल पहले सिर्फ अकोमोडेशन का सर्विस देता था, अभी वो नए मार्केट में आ गए जहां पे वो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग भी करते हैं और टूर ऑपरेटिंग भी करते हैं। इसको मोबाइल डिफेंस बोलते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली मार्केट लीडर क्या करते हैं, अपने टेरिटरी को या अपने मार्केट को ब्रॉडन कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, ताकि वो अपने मार्केट लीडरशिप की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रख पाए। जहां पे आप लोग 5-star का होटल का एग्जांपल दे सकते हो। और लास्ट वाला डिफेंडिंग स्ट्रेटेजी है कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस। नाउ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना या उस मार्केट में से बाहर निकल जाना। तो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो कभी कभी क्या होता है कि अपने हर एक टेरिटरी के अंदर डिफेंड नहीं कर पाती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब कि सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जो मल्टीपल टेरिटरीज के अंदर या एरियाज में अपना प्रोडक्ट बेच रही है, तो जरूरी नहीं कि हर एक टेरिटरी में या हर एक एरिया में वो अपने आप को डिफेंड कर पा रहे या अच्छे से बिजनेस को कर पा रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि पर्टिकुलर टेरिटरी में उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर वो प्रॉपरली डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल करती है। मतलब उस एरिया में कंपनी जो है अपने बिजनेस को
कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कम करते जाती है, या अपने प्रोडक्ट को वहां से वो विड्रॉ करती है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने बिजनेस को बहुत सारे टेरिटरीज में एक्सपांड करना शुरू कर दिया था, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेसेस वो करने लगे थे। फिर बाद में उनको हर एक टेरिटरी में अपने आप को डिफेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपना सोप और डिटर्जेंट का जो बिजनेस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, और बाकी सारे जो बिजनेसेस है उसमें से जहां पे उनको लग रहा था कि ये बिजनेस जो है हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, या ये बिजनेस में हमको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है, या कॉम्पिटिटर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने क्या किया, स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल शुरू किया, मतलब अपने जो दूसरे प्रोडक्ट वो लोग बेचते थे वहां से वो अपने प्रोडक्ट को निकालना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे कंपनी जिस एरिया में अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है या प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वहां पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को विड्रॉ करना शुरू कर देती है। सो बेसिकली यहां पे हम लोग ने डिफेंडिंग करंट मार्केट शेयर स्ट्रेटेजी के अंदर 5 डिफेंडिंग स्ट्रेटेजीज देखी, जहां पे मार्केट लीडर अपने आप को कॉम्पिटिटर के अटैक से डिफेंड करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने पोजिशन डिफेंस देखा, जहां पे कंपनी क्या करती है अपना जो सक्सेसफुल ब्रांड है या जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है उसके ऊपर अपने मैक्सिमम रिसोर्सेस को अलोकेट करती है, जहां पे डेरी मिल्क का आप लोग एग्जांपल दे सकते हो कि मॉन्डेलेज इंटरनेशनल कंपनी का डेरी मिल्क ये प्रोडक्ट जो है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है, तो अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए यहां पे मॉन्डेलेज इंटरनेशनल कैडबरी डेरी मिल्क के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस को अलोकेट कर रही है। देन मैंने दूसरा डिफेंडिंग स्ट्रैटेजी फ्लैंक डिफेंस स्ट्रैटेजी बताया आपको, जहां पे कंपनी क्या करती है अपने वीक साइड को प्रोटेक्ट करती है, जहां पे मैंने विम बार का आपको एग्जांपल दिया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो था उनके पास कोई भी डिशवॉश बार नहीं था, तो उनका वो वीक साइड हो रहा था जिसके ऊपर कॉम्पिटिटर अटैक कर सकते थे, इसके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने विम बार ये जो डिशवॉश बार है उसको प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में लॉन्च किया और अपने वीक साइड को प्रोटेक्ट किया। फिर मैंने तीसरा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बताया, प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव डिफेंस, जहां पे मैंने बताया कि कॉम्पिटिटर को स्ट्राइक होने से पहले ही मार्केट लीडर जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, जहां पे मैंने आपको बताया कि HMT वॉचेस जो है वो टाइटन कंपनी के कॉम्पिटिटर थे, तो HMT वॉचेस को स्ट्राइक होने से पहले ही टाइटन ने अर्ली 1990s में काफी सारे सब ब्रांड जो मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव और प्रिवेंटिव डिफेंस। फिर मैंने आप लोगों को फोर्थ वाला डिफेंडिंग स्ट्रैटेजी बताया, काउंटर ऑफेंसिव डिफेंस, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट लीडर जो है उसके टेरिटरी के अंदर कॉम्पिटिटर जो है उसने अटैक किया, तो इसके लिए मार्केट लीडर ने क्या किया, वो जो कॉम्पिटिटर है उसके टेरिटरी में उसके ऊपर अटैक किया, जहां पे हम लोग ने सीएट टायर का एग्जांपल दिया कि सीएट टायर जो है उसने टीवीएस श्रीचक्र जो है उसके तमिलनाडु के मार्केट में जाके उसके ऊपर अटैक किया, तो टीवीएस टायर ने सीएट टायर का जो नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया का जो मार्केट है उसके ऊपर अटैक किया। देन मैंने फिफ्थ वाला आपको डिफेंसिव स्ट्रैटेजी बताया, मोबाइल डिफेंस स्ट्रैटेजी, जहां पे मार्केटर जो है वो क्या करता है अपने टेरिटरीज को ब्रॉडन या एक्सपांड करता है, मतलब नए नए एरिया में वो अपना बिजनेस को लेके जाता है। जैसे मैंने 5-star होटल का एग्जांपल दिया कि 5-star होटल अकोमोडेशन का सर्विस तो देते ही है, उसी के साथ साथ वो अपने टेरिटरीज को या अपने सर्विसेज को ब्रॉडन कर रहे हैं या एक्सपांड कर रहे हैं, जहां पे वो फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग का भी काम कर रहे हैं और टूर ऑपरेटिंग का काम भी कर रहे हैं। फिर मैंने आपको लास्ट वाला डिफेंडिंग स्ट्रैटेजी बताया, कॉन्ट्रैक्शन डिफेंस, जहां पे क्या होता है कि कंपनी जो है कभी कभी किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में डिफेंड नहीं कर पाती है, मतलब वो कंपनी जो है वो कॉम्पिटिटर के अटैक को डिफेंड नहीं कर पाती है, तो उस केस में कंपनी स्ट्रैटेजिक विड्रॉवल करती है, मतलब उस टेरिटरी में से अपने बिजनेस को वो विड्रॉ करती है और जो मेन उनका बिजनेस है, जो स्ट्रांग उनका बिजनेस है उसके ऊपर वो फोकस करती है। सो ये हम लोग ने 6 डिफेंडिंग स्ट्रैटेजीज देखे जो मार्केट लीडर अपने आप को डिफेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और तीसरा यहाँ पे स्ट्रैटेजी है एक्सपांडिंग मार्केट शेयर, यहाँ पे मार्केट लीडर जो है अपने मार्केट शेयर को एक्सपांड करना चाहते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंपनी उनका मार्केट शेयर जो है वो 40% है, तो उनको वो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 इस तरीके से अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जिसको हम लोग PNG बोलते हैं, या मैकडोनल्ड हो गया, टाइटन हो गया, ये कंपनी जो है मार्केट लीडर्स है जो अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब ऑलरेडी उनका मार्केट शेयर काफी अच्छा है बट उसको वो और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये कंपनीज क्या क्या स्ट्रैटेजीज करते हैं, तो वो नए नए प्रोडक्ट लाइन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब नए नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं, या अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं,
या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रांग बनाते हैं कि कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट जो है टाइमली पहुंचना चाहिए, या फिर वो एग्रेसिवली प्रमोशन करते हैं टीवी पे, न्यूज़पेपर में, या अलग अलग प्रमोशनल ऑफर जो होते हैं वो कस्टमर्स को देते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उनके प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उनका मार्केट शेयर जो होता है बढ़ जाता है। सो बेसिकली एक्सपैंडिंग मार्केट शेयर के अंदर मार्केट लीडर जो होते हैं अपना मार्केट शेयर जो इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। और किस तरीके से वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हैं, तो वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि वो नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हैं, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो प्रमोशन करते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे आप लोगों को 3 कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज बताई जो मार्केट लीडर्स फॉलो कर सकते हैं और अपनी मार्केट लीडरशिप पोजिशन जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है एक्सपैंडिंग टोटल मार्केट स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर और भी कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। फिर बाद में डिफेंडिंग करंट मार्केट शेयर स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर भी और कुछ स्ट्रेटेजीज है जो मैंने आपको बताई। और तीसरा फिर हमने देखा एक्सपेंडिंग मार्केट शेयर स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से कंपनी यहाँ पे अपना मार्केट शेयर जो है एक्सपेंड करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉम्पिटेटिव स्ट्रेटेजी फॉर मार्केट लीडर्स। ये मेरे URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।